guys are staying absolutely safe at home. And I hope the josh for you guys is super high as it is for me, because of course हम लोग एक और chapter पढ़ने वाले हैं grade 6 की science की book में से, that from your NCERT CBSE textbook, that is your getting to know plants. और ये chapter ना it is going to be very interesting. मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हो इस चैप्टर में. बहुत इजी सा चैप्टर, ऐसे कर लोगे आप लोग तो इसको क्रैक. और हम लोग पढ़ेंगे, यू एंड मी विल स्टडी टुगेदर बिकॉज आई एम जस्ट टीचिंग यू, यू विल स्टडी. तो अभी क्या करना है आपको, डू नो यहाँ पे सी, देखो टेक अ नोटपैड, एक नोटपैड उठा लो, एक नोटबुक उठा लो, एक पेन या पेंसिल उठा लो और दोनों को लो पकड़ो और वीडियो को देखो. इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे नोट में लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, ठीक है, तभी आप इस चैप्टर को पढ़ पाओगे. क्योंकि लंबा है चैप्टर, मैं मानती हूँ इट्स ऑफ कोर्स लॉन्ग, बट करना क्या है आपको, नोट करते जाओगे ना, पूरी चैप्टर एक ही बार में करेंगे तो नोट जब आप करते जाओगे तो भाई चैप्टर तो ऐसे हो जाएगा आप सबका. और फिर उसके बाद उसको रिव्यू कर देना. सेशन के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोट्स को एक बार व्यू कर लेना डाउनलोड करके. फिर ऑफकोर्स उसके बाद क्या करना है आपको, ये सब हो जाए तो टेस्ट दे देना. पूरा सेशन देखने के बाद आपने खुद से नोट्स बना लिए, वो नोट्स को देख लिया, आप टेस्ट दे देना. टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको, उनका अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो डाउट सॉल्विंग फॉर्म में अपना डाउट लिख देना, ठीक है. और फिर अगर सब कुछ हो जाए, चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो सजेशन फॉर्म में ज़रूर बता देना कि ये चैप्टर आपका क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, ठीक है. तो चलिए बिगिन करते हैं. तो नोट्स और क्विज दोनों होने वाला है आज की क्लास में. क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस टेस्ट लिखा हुआ रहेगा वही है, ठीक है. तो टेस्ट इज इक्वल टू क्विज बिकॉज वो क्विज के फॉर्म में ही होता है. डाउट सॉल्विंग फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भर देना कोई सा भी डाउट हो कोई से भी चैप्टर में आपका ग्रेड 6 का में, ठीक है, जो हमने किया है. सजेशन फॉर्म में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सजेशन है, पढ़ाई अच्छी लग रही है, नहीं अच्छा पढ़ा रही, क्या मुझे इम्प्रूव करना है, इन अ पॉजिटिव वे यू हैव ट्राइड इट डाउन इन द सजेशन फॉर्म, ठीक है. टेस्ट लिंक एंड डिस्क्रिप्शन, जिसको आप लोग क्विज बोलते हो, ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है. प्ले करना, बहुत मज़ा आने वाला है, यू गाइस आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन एंड इवन आई एम, यू नो आई ऑल्सो इन्जॉय अ लॉट व्हाइल मेकिंग दिस क्विजेस फॉर यू गाइस एंड यू नो जस्ट आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन बाय माई सेल्फ. सेशन पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको नोट्स की तो दिक्कतें आए ही ना, तो ये आपके टू डूज खत्म कर लिया, तो आप चलिए बिगिन करते हैं. सबसे पहले लेट अस लर्न अबाउट हर्ब्स शॉप्स एंड ट्रीज, व्हाट एग्जैक्टली आर दिस. तो सबसे पहले डिफरेंस पढ़ते हैं. हर्ब्स क्या होता है, श्रब्स क्या होता है, ट्रीज क्या होते हैं, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे लाए हम लोगों ने, तो ये चार्ट के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ने वाले बोरिंग वे में. वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू दिस पर्टिकुलर टेबल. ओके, तो ये टेबल में देखो मेंशन है हर चीज़, तो मैं छोटा करके दिखा देती हूँ. ओके, सो टोमेटो ये प्लांट का नेम है. प्लांट का नेम क्या है यहाँ पे, टोमेटो. और टोमेटो क्या है, शॉर्टर देन मी, आपकी हाइट से बड़ा है या छोटा है. तो भाई मेरी हाइट तो इतनी है और टोमेटो का प्लांट होंगे तो कितना ही होगा, सो इट इज ऑफ कोर्स शॉर्टर देन मी. तो क्या वो ग्रीन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो हाँ वो ग्रीन है. क्या उसके पास टेंडर है, हाँ है. क्या वो थिक है, नो. क्या वो हार्ड है, नो. सो लाइक ट्रीज के कैसे हार्ड होते हैं, उनके बार्क्स वैसे नहीं. एट द बेस ऑफ द स्टीम, ठीक है, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर एट द बेस ऑफ द स्टीम, स्टीम के बेस में ब्रांचेस है, नो नहीं ऐसा नहीं है. तो कहाँ पे है, तो ब्रांचेस कहाँ, हायर अप ऑन द स्ट्रीम, स्टीम के ऊपर के हैं ब्रांचेस, तो ना, ठीक है. अब तो ये क्या हो गया, ऐसा कुछ जो प्लांट आपका निकल करके आ रहा है, दैट विल बी योर हर्ब्स, ठीक है. तो टोमेटो प्लांट आपका क्या है, हर्ब्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है मैंगो, मच टॉलर देन, लुक एट अ मैंगो ट्री दैट प्रोड्यूसेस मैंगो, जो मैंगो प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज बियरिंग मैंगो. ऐसे मैंगो के प्लांट को देखो, जो छोटा सा होगा मैंगो प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है, उसको आपसे कंपेयर नहीं करना है, मैंगो ट्री को अपने आप से कंपेयर करो. मैंगो ट्री होगी इतनी बड़ी और आप इतू से, ठीक है, तो ऑफकोर्स इट्स मच 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 टॉलर देन यू. तो क्या वो ग्रीन कलर का होता है, नहीं वो ग्रीन कलर का नहीं होता, ऐसा है क्या, ऑफकोर्स यार ग्रीन कलर का होता है. उसके पास टेंडर होता है, क्या वो थिक होता है, क्या वो हार्ड होता है, क्या उसका यू नो जो एट द बेस ऑफ द स्टीम, क्या वो बेस ऑफ द स्टीम पे उसका जो ब्रांचेस है वो स्टीम के बेस में उगता है, या फिर हाई अबव द स्टीम, मतलब यहाँ से स्टीम है तो यहाँ से ऊपर से गिर रहा है, या फिर इस तरह से हो रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है. तो हाँ वो तो हायर अपॉन द स्ट्रीम यहाँ पे सही है. तो ये क्या हो गया आपका एक ट्री. अब लेमन, ये लेमन क्या है, ये एक
एक्स्ट्रा पैक कैसे यहाँ देख लो स्लाइडली, मतलब इतना ज़्यादा भी लंबा नहीं है बट ऑफ कोर्स इट्स बिट टॉलर देन मी, यहाँ थोड़ा मुझसे लंबा है। आप लेमन का जो देखोगे ना इट्स वेरी वेरी लॉन्ग, आप नहीं बोल सकते, थोड़ा आपसे लंबा होता है, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होता। मैंगो ट्री और लेमन को कंपेयर करोगे तो मैंगो ट्री और लेमन का जो यू नो आपको मिलेगा प्लांट उसमें ज़्यादा लंबा क्या होगा, मैंगो ट्री तो ऑफ कोर्स ही। अब तो ये क्या हो गया आपका एक श्रब, तो इस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट यहाँ देखो यार, नेक्स्ट प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर लीव्स आर कॉल्ड हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जिनके पास ग्रीन कलर के लीव्स होता है, टेंडर लीव्स होते हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, उनके पास इतने सारे ब्रांचेस बिल्कुल नहीं होते, केवल वेरी थोड़े बहुत कम होते हैं उनके ब्रांचेस, ठीक है। सम प्लांट्स हैव द स्टीम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस, अब कुछ प्लांट्स के होते हैं ना जो स्टीम होता है ना उनके, वो बेस के बहुत नज़दीक होते हैं। द स्टीम इज वेरी हार्ड बट नॉट वेरी थिक, थोड़ा हार्ड होता है पर इतना ज़्यादा मोटा नहीं होता, इट्स लाइक थिन। सच प्लांट्स आर नोन एज श्रब्स, फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट देख लो, रोज प्लांट इज ऑल्सो श्रब, ठीक है। अब सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, बहुत लंबे से होते हैं, ओके दे आर वेरी टॉल एंड नाउ एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, उनके पास हार्ड और थिक है ना ब्राउन कलर की स्टेम होती है, जैसे कि आप ट्री ट्रंक देखते हो, दैट्स हार्ड, दैट इज थिक एंड दैट्स टोटली ब्राउन इन कलर, राइट। द स्टीम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट अब एंड रुको मच अबोव द ग्राउंड एंड मच अबोव द ग्राउंड, मतलब अपर पार्ट में होती है, वो ग्राउंड से बहुत ऊपर होता है। पहले ट्री का एक टॉल सा पोर्शन यहाँ देख लिया, ध्यान से देखिए यहाँ पे आप सब, ट्री का पहले एक टॉल सा पोर्शन यहाँ होता है, उसके बाद जो ब्रांचेस वगैरह हैं ना वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं जो कि ग्राउंड के बहुत ऊपर होते हैं ना। सो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं आप, दोज प्लांट्स आर नोन एज योर ट्रीज। अब हर्ब्स के एग्जाम्पल देख लो, मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, ये सारे आपके हर्ब्स में आ गए। अब यहाँ पे पॉपुलर वेराइटीज ऑफ श्रब्स देख लो, रोज के देख लिए आप, ठीक है, हिबिस्कस आपके हो गए, ये सारे क्या है आपके श्रब्स, शू फ्लावर आपने देख लिया है, ये सारे आपके श्रब्स हैं। नाउ गाइज मूविंग ऑन टू अनादर पोर्शन, ये ट्रीज, अब ट्रीज तो आप ऑफकोर्स यू ऑल नो, यू नो आपका बनियान ट्री हो गया, दैट हैविंग अ लॉट ऑफ ब्रांचेस मच अबो द ग्राउंड, एक बनियान ट्री एंड मैंगो ट्री हो गया आपके, पीपल ट्री है, दैट अ लॉट ऑफ, राइट। नाउ प्लांट्स विद वीक स्टीम्स दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, मतलब उनके स्टीम्स ना बहुत कमजोर होते हैं, दे आर वेरी वीक, कि वो खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक है, वो खड़े नहीं हो सकते। दोज आर योर क्लाइंबर्स, कैसे वो क्लाइंबर्स हुए, बिकॉज दे यहाँ पे देखो यहाँ पे, ओके, प्लांट्स विथ वीक स्टीम्स दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, इनको क्रीपर्स बोलते हैं। वेल दोज हु टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप द क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। अब डिफरेंस क्या है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में, अब क्रीपर्स जो होते हैं ना वो भी ऐसे ही होते हैं और क्लाइंबर्स जो होते हैं ना वो भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन क्रीपर्स क्या होते हैं वो ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं, बट क्लाइंबर्स क्या होते हैं वो दूसरे किसी प्लांट पर या फिर किसी चीज़ पर सपोर्ट करके क्लाइंब कर जाते हैं, मतलब क्लाइंबर्स डू क्लाइंब बट क्रीपर्स डू नॉट क्लाइंब, ठीक है। तो ये आपका क्या है फ़र्क निकल के आता है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, ये देखो ये पता नीचे नीचे ऐसे ही ग्रो हो रखा है, ये किसी चीज़ पे क्लाइंब नहीं कर रखा है, तो ये आपका किस, ये आपका क्या हो जाएगा आपका क्रीपर, ओके राइट। एंड ये देख लो यहाँ पे ये क्लाइंबर है, वाई, बिकॉज इट हैज़ क्लाइंब्ड समथिंग, इसने ये जो सीन है इसको ऊपर उसने क्लाइंब कर लिया, तो दैट विल बी योर क्लाइंबर। आई होप यू गाइस आर सुपर क्लियर विद दिस, क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं आपके कंसेप्ट। अब लीफ के बारे में पढ़ते, तो लीव के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ द लीव बाई विच इट इज अटैच टू द स्टीम इज कॉल्ड पेट्यूल। यहाँ देख लो, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आई विल चेंज द, तो ये पार्ट, एक कोई लीव जो होता है ना वो ऐसा दिखता है, उसका यहाँ पे एक ये थोड़ा सा स्टीम टाइप का होता है ना, उसी की वजह से तो वो आपकी स्टीम में अटैच होता है, वो वही चीज़ उसको स्टीम से अटैच करते, उस चीज़ को क्या बोलते हैं आपका पेटियोल। एंड उसका जो सरफेस एरिया है, ये जो ग्रीन पार्ट है ये सरफेस एरिया है, दैट इज योर लेमिना, उसको क्या बोलते हैं आपका लेमिना ऑफ द लीव, उसको क्या बोलते हैं गाइस, डू नॉट फॉरगेट पेटियोल एंड एम लेमिना, नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन्स ऑफ द लीव्स, यहाँ पे देखो लीव्स में बहुत सारे डिफरेंट लाइन्स होते हैं ना, मैं क्या करूँगी, डू यू नो आई एम गोइंग टू टेक अनदर कलर पेन, ओके ना, यहाँ पे डिफरेंट लाइन्स होते हैं लीव्स में, दैट आर योर, क्या ये क्या होगा आपके वीन्स हो गए। अब द वीन इन द मिडल, जो वीन आपके मिडल में आ गया वो आपका मिड रिब, ठीक है, एंड
द डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिब. ये आपका मिडरिब हो गया और उसके दोनों ही साइड पे एक वैसा अच्छा खासा डिज़ाइन होता है, राइट. एंड इफ दिस एक सेकंड, ओके. द वेनेशन इज रेटिक्यूलेट इन द लीव्स ऑफ ग्रास. यू माइट हैव सीन दैट द वीन्स आर पैरेलल टू वन अनदर. एक दूसरे पे पैरेलल होता है कुछ इस तरह से, ठीक है. तो वो क्या हो गए आपके ऐसे पैरेलल वाले, दैट आर योर रेटिक्यूलर वेनेशन, दैट यूज योर रेटिक्यूलर वेनेशन. एंड यहाँ पे देखो द पैरेलल वेनेशन आपका क्या हो गया, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ. जैसे आपने कोई तो लीव देखा होगा जिसमें जो उसकी वेनेशन होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है. उसकी वेनेशन इज टोटली पैरेलल, तो उनको पैरेलल वेनेशन बोला जाता है. लेकिन ऐसे वाली वेनेशन जिनमें बीच में एक मिडरिप होता है, एक लाइन आपका मिड हो गया और उसके आजू बाजू वेनेशन इस तरह से निकल के आ रहा है, ये आपका होता है रेटिकुलर वेनेशन, ठीक है. दैट इज नोन एज योर रेटिकुलर वेनेशन. आई होप यू गाइस विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड आफ्टर दिस. सो यहाँ पे देखो ये मिडरिप है, ये आपका मिडरिप हो गया और यहाँ से आपके वीन्स निकल रहे, तो ये आपका रेटिकुलर वेनेशन. और यहाँ पे देखो ये पैरेलल है, यहाँ पे मैंने आपको ऐसा दिखाया था, राइट. ऐसा मैंने दिखाया था, ये सेम है ये, ओके. सो आपके बनाना वाले ट्रीज वगैरह में आपका होता है पैरेलल वेनेशन. यू गाइस हैव पैरेलल वेनेशन इन दोस. सो मैं इरेज कर देती हूँ फटाफट से. एंड देन व्हाट आई विल डू इज आई सेलेक्ट एप्रोप्रिएट है. वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेटर, दैट इज वाटर, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांसपिरेशन. लीव्स के जब वाटर को जब वो वाटर को वी कैन से व्हाट शुड आई से, ओके. जब वो वाटर को निकालते हैं, व्हेन द वाटर कम्स आउट ऑफ देम, ठीक है, जब वो वाटर रिलीज कर देते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन. वो वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, दैट इज रिलीज इन योर फॉर्म ऑफ वेपर, ओके. नाउ गाइस मूविंग ऑन विथ अनादर स्लाइड विथ अनादर टॉपिक, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% गारंटी. चैप्टर अगर आ रहा है ना ये तो एग्जाम में जरूर आएगा, व्हाट इज एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस. चलिए पढ़ते हैं मजे से. सो अब क्या होता है, जो लीव्स होते हैं, आई विल नॉट रीड आउट दिस कंटेंट, बट ऑफकोर्स वेन यू आर रिफरिंग टू द नोट्स यू गाइस हैव टू रीड आउट दिस कंटेंट. बट मैं बता दूँ, यहाँ पे ध्यान देते हो तो लुक एट दिस पिक्चर वेरी प्रॉपरली. दिस इज अ पिक्चर, यहाँ पे ये जो आपका फ्रूट है वो है, दिस आर योर लीव्स. यहाँ पे स्टेम आ गया, यहाँ पे रूट्स आ गए, ये आपके पार्ट्स हैं प्लांट के. अब ये रूट्स में क्या करते हैं, आप वाटर डालते हो. व्हाट यू डू इज यू पुट द वाटर इन द लीव्स, तो रूट्स, तो यहाँ पे वाटर जाता है. अब ये जो प्लांट्स हैं, व्हाट दे डू इज दे टेक सनलाइट, वो सनलाइट लेते हैं एंड फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन अपने बाहर देते हैं, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं एंड ऑक्सीजन बाहर देते हैं. हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी टेक इन ऑक्सीजन एंड यू नो वी ब्रीथ इन, हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन व्हाइल वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट, बट दिस इज टोटली डिफरेंट इन प्लांट्स. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन दैट वी गेट लेटर ऑन. तो व्हाट डू लीव्स डू इज लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एयर and sunlight, in the presence of sunlight that is captured through your chlorophyll, that is your green pigment of the leaves, and this process is known as your photosynthesis. This process ko the food making process in plants is known as your photosynthesis, theek hai. ab yahan pe now let us learn about the roots of the plants. roots ke bare mein padhte hain, chaliye aap sab ke sath yahan pe roots ke bare mein padhte hue. for roots of the kind shown in 7.17 yahan pe dekho, okay. यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे आपके रूट्स हैं 7.17 में. यहाँ पे आप रूट्स देख रहे हो किस तरह के, द टाइप ऑफ रूट, कैन यू सी हियर, ओके. यहाँ पे जो रूट्स दिख रहे हैं, ये रूट्स की टाइप अलग है और ये रूट्स की टाइप अलग है. ये जो रूट्स है वो अच्छे से स्प्रेड हो गए, बट ये रूट्स है उसमें एक ये है, ये मिडरिप जैसे, यहाँ पे एक मिडरिप है और आजू बाजू से वेनेशंस निकल रही है, कुछ इस तरह का है. इसको क्या बोला जाता है, आपका टैप रूट, ठीक है, दैट इज नोन एज अ टैप रूट. और वो रूट जो ऐसे अपने आप ही फैले हुए हैं, लाइक योर हेयर, ठीक है, लाइक योर हेयर देख लो, यहाँ पे आराम से फैले हुए हैं, दैट इज अ, इनको क्या बोलते हैं, आपका फाइब्रस रूट्स, ओके. और जो मिडरिप जो आपका यू नो रेटिकुलर वेनेशन जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं आपका टैप रूट. आर यू गाइज क्लियर विद अस, आई होप यू गाइज आर सो क्लियर. नेक्स्ट पर्दा हटाया एंड नेक्स्ट स्लाइड को हमने अपने सामने बुलाया. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द फ्लावर, ठीक है, फ्लावर के बारे में पढ़े. तो यहाँ पे फ्लावर के कुछ पार्ट्स देख लो ध्यान से. ये पार्ट आपको जो पेटल्स होते हैं, ये पेटल्स होते हैं जो फ्लावर्स में मतलब बहुत ब्यूटीफुल, उसको जो ब्यूटी देते हैं, दैट आर योर पेटल्स ऑफ द फ्लावर.
यहाँ पे इनके अंदर ये आपका सेपल है, इसके अंदर यहाँ पे एक सेपल होता है छोटा सा, वो जो सेपल होता है ना उनमें से ही आपका पूरा फ्लावर निकल करके आता है ना। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहे हो बाद में जो ओपन अप होता है फिर अंदर से फ्लावर निकलता है, दैट इज योर सेपल ऑफ द फ्लावर। फ्लावर तो क्लियर है। अब यहाँ देखो फ्लावर में और भी टॉपिक है। अब बेल शेप्ड फ्लावर, इस फ्लावर को देखो ये कैसा बेल शेप्ड है ना, कुछ इस तरह से है, थोड़ा ऐसे और फिर थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा ऐसे और थोड़ा ऐसे। नाउ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, यहाँ पे ये फ्लावर को देखो, ये पोर्शन उसका स्टामिन है, मैं आपको इसका कलर वर्जन भी दिखा दूंगी, और यहाँ पे पिस्टल है, वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल एज अ पार्ट्स ऑफ अ स्टामिन। स्टामिन के क्या पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये स्टामिन का, ये आपका एंथर बोला जाता है, दिस इज योर एंथर। वेल दिस पोर्शन इज नोन एज योर फिलामेंट, दिस इज नोन एज योर फिलामेंट। ओके, यहाँ पे देखो दिस इज अ कलर वर्जन ऑफ दिस पिक्चर। यहाँ पे आपकी ओवरीज होती है, यहाँ पे आपका सीड प्रोडक्शन होता है, दिस इज नोन एज योर रिसेप्टिकल। लुक एट दिस वेरी प्रॉपरली, यहाँ पे ये जो लीव्स दिख रहे हैं आपको, जो लीव्स दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, जिनसे आपका फिर प्लांट निकल करके आता है, ये लीव्स दैट आर नोन एज अ सेपल्स, और ये आपका स्टाइल बोला जाता है, जो मिडल में होता है ना वो आपका स्टाइल है। और यहाँ पे ये आपका एंथर है, ये हिबिस्कस का पिक्चर है, ये आपका एंथर है, यहाँ पे स्टिग्मा, और ये जो है ये सारी चीज़ें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी, ये आपकी पेटल्स हो गए। और यहाँ पे आपका मैं फाइलामेंट दिखा देती हूँ, एंड दिस इज ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं कर्व कर्व सी, दैट इज योर फाइलामेंट। ओके, आई होप यू गाइस आर क्लियर। अब यहाँ पे देखो फ्लावर के एक और पार्ट डिस्कस करते हैं। एंथर और फाइलामेंट किसके अंदर होते हैं, आपके स्टामिन्स के अंदर। स्टिग्मा ये रहा, स्टाइल ये रहा, ये सारे स्टिग्मा स्टाइल और ओवरीज आपके पिस्टिल में आ गए, एंड सेपल और ये पेटल्स तो डिफरेंट डिफरेंट आ गए। आई होप यू गाइस आर क्लियर टू हियर। ठीक है, ओवरीज के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। तो ये देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज है, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, ये इनर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल कट एंड ट्रांसवर्स कट है। ठीक है, यहाँ पे ये लॉन्ग कट वाला एंड ये ट्रांसवर्स कट वाला है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बेसिकली जिनको बोलते हैं। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये आपके जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ये पोर्शंस, ठीक है, ये पोर्शंस जो दिखते हैं आपको दैट आर योर ओव्यूल्स, उनको आपको क्या बोला जाता है, ओव्यूल्स। ओके, दैट आर योर ओव्यूल्स ऑफ योर ओव्यूल्स ऑफ योर फ्लावर। ठीक है, आई होप यू गाइस आर क्लियर। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, पार्ट टू में हम लोग इसके आगे का भी सेक्शन पढ़ लेंगे, बट ऑफ कोर्स वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर चैप्टर, मतलब जितना भी टॉपिक था वी हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ द टॉपिक, 80% का जितना भी 85% का टॉपिक हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी के टॉपिक्स ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी कवर्ड इन माई अपकमिंग वीडियोज, सो आई होप यू गाइस आर क्लियर क्रिस्टल क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट राइट मी डाउन इन द डाउट सॉल्विंग फॉर्म प्रोवाइडेड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and let's meet in our next video. Till then, take care, tata, and bye guys.